According to definition and its properties, तो हम दोनों चीजें एक साथ स्टडी करेंगे अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट द स्पीड एंड अबाउट द वेलोसिटी. फर्स्ट तो डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसकी डिफिनीशन से. द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल एट पर यूनिट टाइम और स्पीड इज इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ पार्टिकल. While the displacement obtained by a particle at per second, that is called as velocity. That is displacement by time. And both have same unit meter per second, same unit meter per second, and same dimension formula, that is Lt minus 1. स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन फार्मूला दैट इज एल टी माइनस वन. अब देखो यहां पर अगर डिफरेंस की बात करें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हो गया. सेकेंड अगर हम यहां पर बात करें सिमिलरिटीज की, दे हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन, बट नंबर सेकेंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट्स ए स्केलर क्वांटिटी मींस इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन एंड इट डज नॉट फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉ. व्हाइल द वेलोसिटी हैव वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी इट्स मीन दैट इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड इट आल्सो फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉ. दैट इज मीन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. नंबर थर्ड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन इट हैव ओनली पॉजिटिव मैग्नीट्यूड. Means that speed of a particle is always positive and it is a vector. Vector have magnitude and direction both. और अगर हम यहाँ direction लाते हैं तो negative sign use करते हैं या positive sign use करते हैं. It's mean that velocity of a particle is a positive, negative or zero. तीनों possible है. Means speed of a particle is always positive. Why? For velocity of a particle is positive or negative or zero. ये तीनों हो सकते हैं. Possible. जैसे किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव वेलोसिटी, डायरेक्शन हमने अपोजिट कर दी तो वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई. रिलेटिव वेलोसिटी कर दी, बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन रिलेटिव वेलोसिटी दिस विल बी जीरो. तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी पॉसिबल होगी. नंबर फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ दैट स्पीड इज डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ पाथ. Because speed जो operate होती from distance और distance क्या है, length of path. यहाँ लिख सकते हैं speed is depends upon length of path. And number fourth for velocity is depend upon displacement and displacement is depend upon initial and final positions of object. यहाँ लिख सकते हैं velocity does not depend upon length of path.
Okay. Is that clear or not? The difference between speed and velocity. Formula भी बन गया और हमने difference भी create कर लिया between the speed and velocity. Is that okay? समझ में आई बात? Otherwise not. कुछ क्या साउंड क्लियर नहीं क्या? एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि साउंड क्लियर नहीं है, क्यों? सुन रहे हो सब लोग? साउंड क्लियर है कि नहीं? साउंड वॉइस क्लियर है? हाँ, तो कोई बच्चा ऐसा है जो मैसेज कर रहा है कि साउंड वॉइस क्लियर है? बेटा नेटवर्क में आओ, आप नेटवर्क थोड़ा सा सही करो, सही हो जाएगा. ओके, तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. वन थिंग मोर, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज greater than or equal to, means magnitude of speed is greater than or equal to velocity. मतलब किसी पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो या तो वेलासिटी की ग्रेटर होगी, अदरवाइज इक्वल होगी. इट इज नॉट पॉसिबल दैट स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज लेस देन द वेलासिटी ऑफ द पार्टिकल. हेंस स्पीड by velocity जो रेशियो होगा that is greater than or equal to. okay, अब देखो both are same approx. अगर बात करें वेक्टर और स्केलर हटा दें, अगर स्पीड और वेलोसिटी को लिया जाए और हम यहां पे वेक्टर और स्केलर को अवॉइड करें, इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर एज सेम, दोनों क्या होते हैं? सेम. और इनके अब टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. तो हम यहां पे किसी एक के टाइप को डिस्कस करेंगे, उसी के बेसिस पे आप सेकंड का टाइप बना सकते हो. जैसे हम यहां पर डिस्कस करें टाइप ऑफ स्पीड और टाइप ऑफ वेलोसिटी. इज दैट ओके या सर? नो, सुन रहे हो यार? क्लियर है ना इतना? या किसी को कोई डाउट हो तो फिर बोल सकते हो. चाहे किसी को बोलते रहे तो पता चलता है कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं, तो पता चलता है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं. हाँ, तो देखो अब बात कर ली जाए टाइप साफ. जैसे हम यहां केवल स्पीड ले लें, टाइप साफ स्पीड कौन सी चीज फिर से बतानी है? बताइए क्यों, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो फिर से बता? अरे जिसको प्रॉब्लम है बोलो ना बेटा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको फिर से बताना है, कि पूरा फिलॉसफी फिर से देनी है जो अभी दी गई थी. तो आप इसको देखो बेटा, कनेक्शन छूट गया तो यार वीडियो में देखो ना, एक एक बच्चे के रिक्वायरमेंट में बार बार हम रिपीट करेंगे तो टाइम तो ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा और वैसे भी ऑलरेडी सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है ना. तो आप वीडियो में देख लेना, जो नहीं होगा वो आप व्हाट्सएप पे आप डिस्कस कर लेना, जो ना समझ में आए तो ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे जहां भी आपको ठीक लगे वहां पे आप डिस्कस कर लेना वीडियो देखने के बाद जो ना समझ में आए. ओके, अब देखो नेक्स्ट थिंग we are talking about the types of a type of speed. there are two type of speed. agar usi tarah se aap velocity bana sakte ho, there are two type of velocity. video thoda blur dikh raha hai kya aap logo ko? ha, ek minute. ha, ruk jaye, main sahi kar raha hu. network issue ho jata hai na beta, network aata jata rehta hai to uski wajah se problem ho jati hai. अभी देखिए कुछ सही हुआ? ठीक. तो टाइप ऑफ स्पीड और टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड. नंबर वन इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड. और नंबर सेकंड इज दैट इज इंस्टेंटेनियस.
इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए जैसे आप यूज करते हो बाइक या कार, उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, तो जो आपका स्पीडोमीटर होता है दैट टेल्स अस अबाउट द इंस्टेंटेनियस। खुशीपाल, शैलेंद्र यादव, आप लोग माइक म्यूट करो, तो बहुत गंदी चीज है ये, तो माइक ऑन कर लेते हो फिर म्यूट नहीं करते, आपका पूरा डिस्टरबेंस यहाँ तक आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड, नंबर वन इज एवरेज स्पीड एंड नंबर सेकंड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज, एंड इंस्टेंटेनियस, नाम से ही पता है इंस्टेंटेनियस, जो एवरी इंस्टेंट पे चेंज हो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम वे अगर आप वेलोसिटी लेके चलो तो सेम वे टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम यहां प्रॉपरली एक इंडिविजुअल दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो देखो जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एवरेज एवरेज स्पीड, ठीक। तो एवरेज स्पीड यू नो द वेरिएबल वी ए वी, द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम दैट इज एवरेज स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय वी ए वी। स्पीड या वेलोसिटी को आप हमेशा वी से रिप्रेजेंट करोगे और एवरेज है तो हमने ए वी यूज कर दिया, है ना। अब देखो सपोज करो कोई पार्टिकल है, इट स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल ए टू बी एंड गोज बी टू सी, दैट इज एस वन डिस्टेंस एस वन एंड दैट इज एस टू डिस्टेंस। अब इसी को आप और आगे ले सकते हो, ए से बी आए ये पार्टिकल एम मास है और फिर बी से सी अगेन सी से डी और इस पीरियड में इसने कुछ एस थ्री डिस्टेंस ट्रेवल करी। हमें एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला अटेम्प्ट करना है। तो लुक दैट टाइम टेकन इन इंटरवल ए टू बी टी वन बी टू टी सी टी टू एंड सी टू डी इज टी थ्री। सो फॉर्मूला क्या बन गया एवरेज स्पीड के लिए वी ए बी दैट एस वन टोटल डिस्टेंस एस टू प्लस एस थ्री and time is t1 plus t2 plus t3, that is basic formula। आप suppose करो आपके पास distance given ना हो, that's a to b के लिए velocity given हो, speed given हो v1, b to c के लिए v2 और c to d के लिए that is v3, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए for a to b, तो formula क्या होता है, speed is equal to distance by डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम सेक्शन ए बी के लिए कर रहे हैं तो स्पीड कितना कंसीडर किए हैं, दैट इज बी वन, डिस्टेंस इज एस वन, टाइम इज टी वन, तो एस वन इज इक्वल टू बी वन विद टी वन। सेम एज लाइक इन दिस ऑन दिस बेसिस फॉर बी टू सी वी टू इज इक्वल एस टू इज इक्वल टू वी टू टी टू कर सकते हैं। यहां पर बात करें फॉर B to C, again speed is equal to distance by time, as same V2 is equal to S2 by T2, so S2 is equal to that is V2 into T2, again for C to D, C to D, C to D के लिए S3 क्या बनेगा, that is V3 and T3, okay or not? यहां तक क्लियर है। हम देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, तो फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सपोज करो किसी पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम ए, इट गो ए टू बी बाय बी वन स्पीड इन टी वन टाइम ट्रेवल डिस्टेंस एस वन, बी टू सी बी टू स्पीड टाइम टी टू एंड डिस्टेंस इज एस टू, सी टू डी distance is s3 but speed is v3 and time is t3। तो हम अब average v
स्पीड के लिए हमें फॉर्मूले को ऑब्टेन करना है, तो अगेन हम हर एवरी सेक्शन की बात करें इंडिविजुअल, फॉर ए टू बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमने फाइंड आउट किया एस वन इज इक्वल टू वी वन टी वन, सेम बी टू सी एस टू इज इक्वल टू बी टू टी टू, अगेन फॉर सेम सी टू डी एस थ्री इज इक्वल टू बी थ्री एंड टी थ्री। अब इन तीनों वैल्यूज को फिर से हम यहाँ पे शिफ्ट करें, इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे शिफ्ट करें, तो देखो जैसे वी ए वी एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ यहाँ पे, दैट्स एस वन वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू प्लस वी थ्री टी थ्री बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, दैट इज सेकेंड फॉर्मूला। अगर स्पीड और टाइम गिवन है तो एवरेज वेलोसिटी स्पीड को हम इस फॉर्मूले से ऑब्टेंड कर सकते हैं। ओके अगर हम यहीं पे सपोज कर ले टाइम इंटरवल फॉर ईच सेक्शन ए टू बी बी टू सी एंड सी टू डी आर इक्वल, मींस टाइम इंटरवल फॉर ए टू बी बी टी वन बी टू सी टी टू सी टू डी टी थ्री दैट्स इक्वल टू टी, ए से बी का टाइम बी से सी का टाइम सी से डी का टाइम बोथ आर सेम, तो यहां पर रखो हाँ कुछ प्लेस पे लाइट है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो यार, हम जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है ना, वी ए बी हाँ लिसन वी ए बी दैट इज वी वन टी वन एट द प्लेस ऑफ एस वन वी टू टी टू वी थ्री टी थ्री बाय टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अब हमने एज्यूम किया दैट इन टाइम इंटरवल फॉर ईच सेक्शन दैट इज इक्वल, मींस T1 equal to T2 is equal to T3, that is suppose कर लो T है, इसको आप ऊपर रखो, that is V1 T plus V2 T plus V3 T by 3, so VAB that is V1 plus V2 plus V3 by 3, that is formula for average velocity, average speed of a particle. ठीक, ओके, तो इस तरह से हम किसी पार्टिकल की एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो इसी वजह से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ने सेम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करें, जैसे एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाए किसी भी न्यूमेरिकल में, तो सपोज करो एक पार्टिकल है इट गोज फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम वी वन वेलोसिटी और v1 स्पीड एंड रिटर्न टू b2a फ्रॉम v2 स्पीड और वेलोसिटी, देन कहा जाए फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों चीज फाइंड आउट करी जाए एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? देखो आपका एग्जांपल क्या है, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन करना है। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट देयर मोशन फ्रॉम ए टू बी बाय वी वन वेलोसिटी देन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए बाय वी टू वेलोसिटी देन फाइंड आउट इट्स एवरेज स्पीड एंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। देखो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, मे भी कुछ लोगों ने हो सकता है कर भी लिया हो, है ना, तो देखो सपोज कर लो, देखो अभी तो आपको डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो सपोज कर लो कि लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, है ना, तो अब देखो एवरेज पहले दो चीज लेकर फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज That is a total distance by total time. Okay? Total distance आपकी कितनी है? देखो, हम इसे VAB assume कर लें। तो total distance कितनी है? देखो, A to B की distance x, है ना? तो total distance A to B x आया और return हुआ B to A। तो जितना आएगा उतना ही जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस x,
तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x, सपोज दैट द टाइम टेकन फ्रॉम a टू b इज t1 एंड b टू a इज t2, सो टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2. नाउ यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट t1 एंड t2, आपके पास आपने तो x को एज्यूम किया है बट यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द t1 एंड t2. इंफॉर्मेशन किसकी है आपके पास? v1 और v2 की. तो जो फार्मूला हमारा बने उसमें आपके पास क्या होना चाहिए? दैट इज v1 एंड v2. तो अगेन फिर से वही काम जो अभी आपने किया था फॉर a टू b, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो स्पीड a टू b की कितनी है? v1 है, डिस्टेंस x, टाइम इज t1, सो t1 इज इक्वल टू x बाय v1. एज सेम आप फॉर b टू c, b टू a के लिए भी कर सकते हो. क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस बाय टाइम. अब की बार स्पीड कितनी है v2 की? a की, दैट इज v2, और डिस्टेंस कितनी है? अगेन x आया है तो x रिटर्न भी होना है. टाइम इज t2, नाउ t2 इज इक्वल टू x बाय v2. इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है या एनी डाउट? फिर से एक्सप्लेन करें सबको. कौन सा चीज? हाँ बोल रहे हैं, एक मिनट. देख क्वेश्चन क्या है आपका कि कोई पार्टी है, इट विल स्टार्ट डियर मोशन फ्रॉम ए टू बी बाय वी वन स्पीड और वी वन वेलोसिटी एंड रिटर्न टू बी टू ए बाय वी टू स्पीड और वेलोसिटी. सपोज करो आप अपने घर से, होम से बाहर आए स्कूल v1 वेलोसिटी से और रिटर्न हुए v2 वेलोसिटी से. पहले माइक म्यूट करो जिसका भी हो. जैसे आप सपोज करो कि आप अपने होम से आए कहां पे? स्कूल, फ्रॉम v1 वेलोसिटी एंड स्कूल से रिटर्न हो गए अगेन होम फ्रॉम v2 वेलोसिटी. तो कहा जाए टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो क्या हो, उसी को हम यहां पे आपके कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो लेट एज्यूम दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स. सो एवरेज, फर्स्ट एवरेज स्पीड जो बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अब पार्टिकल को कहां जाना है? फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न होना है बी टू ए. और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर. तो एक्स ए टू बी, एक्स बी टू ए, टोटल डिस्टेंस दैट इज एक्स प्लस एक्स. टाइम टेकन ए टू बी इज टी वन एंड टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए इज टी टू. सो टोटल टाइम इज टी वन प्लस टी टू. इन दैट केस वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट टी वन एंड टी टू. हमारे पास ओनली इंफॉर्मेशन क्या है? अबाउट वी वन एंड वी टू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू. तो फिर अगेन फॉर ए टू बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब ए से बी के लिए स्पीड कितना है? वी वन है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? एक्स है. और कितने टाइम इंटरवल में? टी वन. तो हमने यहां से t1 को ऑब्टेन किया. अगेन फॉर v2 a स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो v2 इज इक्वल टू x बाय t2. नाउ t2 इज इक्वल टू x बाय v2. अब आपके पास t1 और t2 दोनों की वैल्यू ऑब्टेन हो गई. और जब दोनों की वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो आप इसे ऊपर के बेसिक फॉर्मूले में यूज कर लीजिए. तो जो चीजें होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगे. देखिए जैसे अब ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए. अब इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को सेट करें. जस्ट लुक, वी एम दैट इज 2x, t1 क्या आया है? x बाय v1, t2 x बाय v2. सो वी एम
एवरेज स्पीड दैट इज 2x. अगर हम यहां पे एलसीएम की बात करें, x कॉमन है दैट इज v1 प्लस v2 एंड v1 v2. नाउ x एंड x कैंसिल आउट, सो BAV एवरेज स्पीड दैट इज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. ये एक फॉर्मूला बन गया जिससे आप एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे सपोज करो, अभी हम एवरेज स्पीड की केवल बात कर रहे हैं, बस नॉट अबाउट एवरेज वेलोसिटी. जैसे सपोज करो, अब हमने बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये तो हमने एक ट्रिक बनाया, यहां पे फार्मूला बन गया, इस फार्मूले को यूज कैसे करना है. सपोज करो हम ए टू बी गए 48 km पर आवर की स्पीड से, बी टू ए से रिटर्न हुए 60 km पर आवर की स्पीड से. बोला जाए व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसी में वैल्यू रखनी है आपको और एक लाइन में आपको आंसर अपडेट हो गया. दैट्स बीएबी एवरेज वाला स्पीड दैट इज 48 into 60 by 48 plus 60. So VAB that is 2 48 into 60 by 108. अब आप यहां से चाहो तो 12 से डिवाइड कर सकते हो, 12 4 and 9. So VAB that's 240 to 480 by 9 km per hour. That is average speed of the particle or body. Okay? इतनी बात clear है सबको या सबको fix है? अब देखो second हम बात करें about the average velocity. Second, let's talk about the average velocity. So that, अब देखो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही यूज करेंगे है ना, सॉरी नॉट डिस्टेंस, यहां पे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट. हाँ ब्लब दिख रहा है, एक मिनट. क्लियर हुआ? ओके. तो देखो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट हमने एज्यूम करके रखा है क्या, एक्स. तो ए और बी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक्स, और बी टू ए के लिए डिस्प्लेसमेंट भी अगेन एक्स है, बट डायरेक्शन चेंज है. देखो ए टू बी के लिए दैट इज एक्स, बट बी टू ए के लिए दैट इज माइनस एक्स, क्योंकि यहां डायरेक्शन चेंज है ना, और डिस्प्लेसमेंट की जो वेक्टर क्वालिटी है वो वेक्टर है, तो हम डायरेक्शन के साथ चलेंगे. तो x एंड माइनस x दैट्स t1 प्लस t2, ये क्या हुआ 0, t1 प्लस t2, तो द एवरेज वेलोसिटी दैट्स विल बी 0. ओके, इज दैट ओके आर नॉट? चलिए तो कल की क्लास के लिए हम आपको एक पहले न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप उसे करके आओगे इसी प्रिंसिपल पे. ओके, सो राइट डाउन, सेम एवरेज स्पीड ही आपको ऑब्टेन करनी है. लुक एग्जांपल, जैसे कोई पार्टिकल है, इट स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हाफ जर्नी by speed of 60 km per hour. तो अगर एक पार्टिकल है जो अपनी जर्नी का हाफ
किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 60 km/h. Now B to C 1/3 times of total journey. Times of journey. पहले माइक म्यूट करो यार, क्यों नहीं सुनते आप लोग? हाँ, वन बाई थर्ड टाइम्स ऑफ जर्नी ट्रेवल द स्पीड ऑफ 48 km/h. ओके, देन रिमेनिंग जर्नी सी टू डी ट्रेवल द स्पीड ऑफ 72 km/h. Then find out average speed of the journey. क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? देखो कोई पार्ट के है, इट स्टार्ट योर जर्नी फर्स्ट हाफ जर्नी बाई 60 km/h एंड 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल जर्नी दैट इज 48 km/h एंड रिमेनिंग जर्नी बाई द स्पीड ऑफ 72 km/h. देन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्ट. ओके,